अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीज़ा फैशन सेंस। होपफुली यू गाइस ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, इस तरह जो कि ब्राइड टू बी हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो इंशाल्लाह। बात पक्की से लेकर आपके रिसेप्शन या वलीमा तक, जितनी भी लुक आप क्रिएट करना चाहते हैं और डिफरेंट लुक क्रिएट करना चाहते हैं थोड़ा यूनिक और हट के, वो सारी लुक्स मैंने इस वीडियो में ऐड की हैं। शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और इसमें आपने चूज़ करना है कि कौन सी लुक है जो आपके फेस पे, आपके गेटअप पे या आपका जो जोड़ा है उसके साथ मैच करती है, और वैसी आपने लुक अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई लुक अच्छी लगती है तो आप ये चूज़ कर सकते हैं या अपने जो सैलून जो भी आपने उसमें बुक करवाया है उसमें उसको दिखा सकते हैं कि हमें ऐसी लुक चाहिए। लेकिन ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, सबका फेस कट डिफरेंट होता है और किसी पे कुछ सूट करता है, किसी पे कुछ सूट करता है, तो आपने इतनी भी इसको मतलब सर पे सवार नहीं करना या ज़िद नहीं बहानी कि ऐसा ही मेकअप चाहिए। थोड़ा बहुत आप अपने सैलून पे जो आपका मेकअप आर्टिस्ट है उस पर ट्रस्ट किया करें, वो आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग ही आपको इंशाल्लाह अच्छे लुक देंगे। लेकिन ये जस्ट एक आपके लिए एक सैम्पल है, एक किस्म का आपको कि आपको अगर इस तरह की लुक चाहिए या इस तरह की लुक भी क्रिएट की जा सकती है जो कि अगर आपके के लिए बिल्कुल सूटेबल है तो वाई नॉट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं यहाँ पे जो वलीमा का कलर ऐड किया है ये बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक है। मैं आप लोगों में से जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनको रेफ़र करूँगी कि जो ब्लू टोन का वलीमा कलर है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट और बहुत एक डिफरेंट सा कलर है ये। ब्लू की एक अनोखी टोन है और बहुत प्यारी लगेगी इंशाल्लाह। सो गाइज, ये आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, बात पक्की, इंगेजमेंट, निकाह, बारात, मेहंदी, वलीमा, रिसेप्शन एंड इवन आफ्टर जो शादी के दावतें होती हैं उसके लिए भी मैंने इसमें जो लुक ऐड की है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी हिट किया करें ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।